पहले लाइसेंस की बहाली और फिर कुछ ही देर बाद इस्तीफा। साबिक वजीर कानून का ड्रामाई इकदाम। फरूख नसीम पाकिस्तान बार काउंसिल की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। उनकी छोड़ी हुई सीट पर यासीन आजाद एडवोकेट बार काउंसिल के रुकन मुकर्रर हो गए। साबिक वजीर कानून फरूख नसीम ने लाइसेंस की बहाली के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान बार काउंसिल की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया जब वो सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक इंतहाई अहम नौयत के केस में बतौर वकील पेश हुए, जिस पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने एतराजात उठाए थे क्योंकि फरूख नसीम का लाइसेंस बहाल नहीं हुआ था। इस एतराज पर फरूख नसीम ने पाकिस्तान बार काउंसिल को लाइसेंस बहाल करने की दरख्वास्त दी, जिस पर इनका लाइसेंस बहाल कर दिया गया और वो समाअत के लिए अदालत पेश हुए। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज किए जाने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। फरूख नसीम के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान बार काउंसिल की सिंध की नशस्त खाली हो गई, जिस पर यासीन आजाद एडवोकेट को इस नशस्त पर रुकन मुकर्रर कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने फरूख नसीम के इस्तीफे और यासीन आजाद की तकरूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।